नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे FIR शिकायत या आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई सामान चोरी हो जाता है या कुछ गुम हो जाता है, तो उसके लिए भारत सरकार ने सिटीजन पोर्टल एक चालू किया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे शिकायत या FIR दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको थाने जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसे कि आपका मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मोबाइल गुम हो जाता है तो उसके लिए आपके पास मोबाइल के बिल की कॉपी होनी चाहिए। दूसरा, ID प्रूफ के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य दस्तावेज हो जिसे आप वहाँ संलग्न कर सकते हैं। पूरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, FIR सर्च करेंगे, उसके बाद दिखाई देगा मध्य प्रदेश पुलिस MP पुलिस सिटीजन पोर्टल। उस पर अपन क्लिक करते हैं तो मध्य प्रदेश सिटीजन पोर्टल पर अपन जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही उनको पोर्टल खुल के दिखाई देता है। इसमें यदि आप पहली बार FIR कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसमें रहेगा ये मुख्य पृष्ठ, उपयोगकर्ता निर्देशिका, आप जो उपयोग कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या निर्देश हैं, पुलिस हेतु सूचना, नागरिक सेवाएं। इसमें जो आम नागरिक के लिए सेवाएं दी गई हैं वो सेवाएं हैं। आज हम देखेंगे कि खोई हुई संपत्ति की रिपोर्ट कैसे दर्ज की जाती है। तो यहाँ हम अपना नाम डालेंगे, नीचे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे, आपके नंबर पर एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP को सबमिट करते हैं तो आपको सिटीजन पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के यहाँ से आपको दिखाई देगा कि लॉगआउट, तो लॉगिन हो चुका है, लॉगआउट के लिए यहाँ बोल रहा है। अगर आपको लॉगआउट करना है तो यहाँ से लॉगआउट करेंगे। इसमें रहेगा आपका EFIR, चरित्र प्रमाण, आवेदन, खोई हुई संपत्ति। आज हम खोई हुई संपत्ति पर क्लिक करेंगे। अब हम आते हैं संपत्ति के विवरण पर। यहाँ लिखा हुआ है अनिवार्य फील्ड दर्शाता है, जहाँ जहाँ भी स्टार लगा हुआ वो आपको मैंडेटरी है, मतलब वो आपको जो कॉलम है वो भरना ही पड़ेगा। अगर आपको कॉलम नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं। संपत्ति गुमने की तारीख, अपने तारीख डालेंगे, क्या दिया है समय, यहाँ समय डालेंगे, या फिर दस्तावेज और मूल्यवान प्रतिभूति। यहाँ आज हम दर्ज कर रहे हैं शिकायत मोबाइल गुम होने की, तो यहाँ पर हमारा ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक सामान। वर्ष 2023 रहेगा हमारा, वहाँ स्थान जहाँ से संपत्ति गुम हुई है वो हम अपना स्थान भरेंगे। यहाँ पर जिला भरेंगे, पुलिस स्टेशन भरेंगे। आइटम का नाम यहाँ रहेगा मोबाइल फोन या सिम कार्ड, आज हम भरेंगे मोबाइल फोन। मात्रा, कितने मोबाइल थे, अनुमानित मूल्य 10,000 रुपये का हमारा मोबाइल था। माता, किस कंपनी का था। यहाँ पे आपको मोबाइल के संबंध में कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे कि IMEI नंबर, अगर आपका मोबाइल खोया है तो उसके लिए आपके पास जो बिल होगा उस बिल में IMEI नंबर लिखा रहता है, उस IMEI नंबर को इसमें आपको दर्ज करना है। यहाँ से आपको बोलना क्या करना, हटा भी सकते हैं इसे, गलती से कोई एक हो जाती है तो यहाँ से हटा के दूसरा जा सकते हैं, अगर कोई अंक ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से आपको दस्तावेज जो है वो दस्तावेज यहाँ पे आपको देने हैं, छूट दी जाती है उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। यहाँ से हम आपको अपलोड करते हैं फाइल का प्रकार, ये बताना है अपन को कि अपन इसमें जो फाइल अटैच कर रहे हैं कौन सी फाइल है। यहाँ आके वो फाइल ऐड हो जाती है, उसके बाद हम भरेंगे यहाँ अपना अंतिम नाम, इनका चयन करेंगे महिला पुरुष, व्यवसाय क्या करते हैं यहाँ। यहाँ आपको पिताजी का नाम भरना है तो पिताजी का नाम भर सकते हैं, पति का नाम भर सकते हैं, मैं पिता का नाम भर रहा हूँ। आप हमें जोड़ रहे हैं नंबर भरेंगे अपने,
पता नहीं कराई, पिन कोड डालेंगे। तो आपने इस वीडियो में देखा कि शिकायत किस तरीके से करनी है, और आप यहाँ से आप प्रिंट भी शिकायत का ले सकते हैं।